हमारे संविधान में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है, तो इसलिए हम अहिंसा को अस्त्र कर जब तक यहाँ के बैठेंगे, इसलिए हम आगे आए हैं। हमारे साथ भी आज हमको देखकर जिन बच्चों ने आज देश के अंतर में छुपे हैं बैठे हैं, उन लोगों ने भी हमको देखकर आएंगे और एक बड़ा एकता जुटेगा और देश में ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट है छात्रों का मुद्दा लेकर सामने आएंगे और ये छात्रों का मुद्दा आगे बढ़ेगा। वो एमपी से काफी मीटिंग की, 300 से ज्यादा एमपी से मिल चुके हैं, 32 से ज्यादा धरने हो चुके हैं, 7 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में केस लग चुके हैं, मगर अभी तक राहत नहीं मिली है। सोशल मीडिया का उसके थ्रू हम जो है अपनी आवाज को जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो हमारे तक नहीं पहुंचती है, और अगर पहुंचती भी है, अगर किसी तरह से अगर हमारा वीडियो अगर रिकॉर्ड भी हो जाता है तो वो नहीं दिखाया जाता। मतलब सरकार को हम क्यों चुनते हैं? हम इसीलिए चुनते हैं कि सरकार हमारे लिए जो है अच्छा काम करे। सरकार के ऊपर अगर दबाव बनाएंगे तो एक दिन सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार सुनेगी। नमस्कार, मैं हूं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे, जहां पे यूपीएससी के छात्र आए हुए हैं। तो उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं, हम उनसे उनके लिए बातचीत करेंगे। तो आपका मुद्दा क्या है? देखिए, हम बहुत पहले से ही ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये बात सरकार के आगे लेकर आए हैं। 2019-20, 2021-23 इसमें से जो कोविड पेंडेमिक चल रहा था उसमें से जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने यूपीएससी के अटेम्प्ट लिए, वो उसी टाइम वो तैयारी नहीं कर पाए और साथ ही साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहा था देश में तभी। तो इसको लेकर हम सरकार को ये लिखे हैं कि उन लोगों को और एक बार चांस दीजिए और एज रिलैक्सेशन दीजिए, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारा बात नहीं सुनी। इसीलिए हर राज्य के तमाम छात्रों को लेकर हम आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू किए हैं, उससे पहले भी किए थे, लेकिन आज हम गांधी जी की जो अक्टूबर 2 के जन्मदिन पर हम यहाँ पर बैठे हैं, सत्याग्रह कर सत्य को आग्रह कर हम यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारा ये बात सरकार नहीं मानेगा तब तक हम नहीं उठेंगे। ये जो डिमांड है हमका, ये डिमांड तब तक चलेगी जब तक सरकार हमारा ये जो मकसद है, हमारा जो डिमांड है, ये जब तक नहीं सुन रही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बैठ के आप सत्याग्रह करके 2 अक्टूबर को बैठ के सरकार तक अपनी बात पहुँचा लेंगे सत्याग्रह के माध्यम से? क्यों नहीं पहुँचेगा? आप लोग है, हम ये भी जानते हैं, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का मीडिया। तो आप लोगों की माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करूँगा, ये बात को आप आगे लेकर जाइए, इस बात को थोड़ा समझिए गौर से, और ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्यूशन किया जाएगा, इसलिए कोई ना कोई स्टेप लीजिए जिसकी वजह से देश में जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उन लोगों को ये भला होगा उनके लिए। आप अगर यूपीएससी की बात करें कि आपने जैसे कहा कि क्वेश्चन कुछ अलग सब्जेक्ट के आए थे, अलग आए थे, सिलेबस से भी अलग आए थे, लेकिन आपके साथ में जो जो स्टूडेंट जुड़ने चाहिए उतने स्टूडेंट तो जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट जुड़ने के लिए क्या चाहिए, हमको एकता चाहिए। एकता चाहने के लिए हर कोई तो आवाज़ नहीं उठा सकता, किसी को आगे आकर आवाज़ उठाना चाहिए। गांधी ने क्या किया था, वो अकेला चले थे। जब वो अकेला चले थे एक दिन उनके साथ देशवासियों ने चले थे और उसके साथ ही साथ हमको आजाद मिला था। इसलिए हम आगे आए हैं, हमारे साथ भी आज हमको देखकर जिन बच्चों ने आज देश के अंतर में छुपे हैं बैठे हैं, उन लोगों ने भी हमको देखकर आएंगे और एक बड़ा एकता जुटेगा और देश में ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट है छात्रों का मुद्दा लेकर सामने आएंगे और ये छात्रों का मुद्दा आगे बढ़ेगा। आपको मालूम होगा कि देश के अंदर तमाम आंदोलन हुए, हजारों लाखों में करके आंदोलन हुए, लेकिन सारे आंदोलन दबे के दबे रह गए हैं और सरकार को सुनाई नहीं दिया, और आप आंदोलन अकेले 2-4 लोगों से कर रहे थे, क्या आपका आंदोलन सफल हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ी अच्छी सवाल है। बात नहीं है कि हमारा साथ कौन है, बात यह है कि हम क्या चाहते हैं और किस तरह हम आंदोलन करते हैं। हमारे संविधान में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है, तो इसलिए हम अहिंसा को अस्त्र कर जब तक यहाँ के बैठेंगे, हमको लगता है कि गांधी जी की चलने के मार्ग पर हम चलेंगे, तो हमको साथ ही साथ हमको ये डिमांड हमारा पूरा होगा। एक साल तक किसानों भी अहिंसा पे बैठे थे और उनके साथ भी ऐसे आंदोलन अभी तक सफल नहीं, फिर आज आंदोलन करने गाजीपुर बॉर्डर पे किसान पहुंच चुके हैं। देखिए, हम हमारी बात करेंगे,
हमारा जो इरादा है, हमारा जो तरीका है, इस तरीके से हम बैठेंगे। जब तक हमारा बात नहीं सरकार तक नहीं पहुंचा है, कोई भी स्टेप नहीं लिए, तभी तक हमें प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे। आप आज नहीं, ये आंदोलन बहुत पीछे से भी हम कर रहे हैं, तो जब तक ये नहीं सुधार आएगा, इसमें से कोई भी स्टेप नहीं लेगा, हम तभी तक। अच्छा चलिए, ये ठीक है, आपने ये किसान आंदोलन के मुद्दे को आपने हटा दिया, लेकिन मैं आपसे बात करूँ की SSC के भी स्टूडेंट यहाँ पे लाखों की संख्या में आए, लगातार कई महीने तक वो, ये भी बात हम करेंगे। UPSC स्टूडेंट भी हमारे साथ है, हम उसकी भी आप, लेकिन उनका मुद्दा भी अभी तक जब सॉर्ट आउट नहीं कर पाई सरकार, तो फिर वो आप कैसे मानते हो? देखिए, हमारे साथ UPSC का भी छात्रों नेता ने, हम आपको बताएंगे, हम UPSC के साथ उसी को भी ले रहे हैं, SSC को ले रहे हैं, रेलवे को ले रहे हैं, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को ले रहे हैं, लेकिन UPSC को हम इसीलिए मुद्दा कर रहे हैं क्योंकि UPSC तभी तब एग्जाम हुआ था। SSC, रेलवे, ये सब उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन UPSC देश का एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम को देकर देश का जो प्रशासनिक व्यवस्थान है, उस व्यवस्थाएं की सुदृढ़ आती है, उस व्यवस्थाओं के जो अच्छा दिन आता है, तो इसीलिए हम इसी को मुद्दा बनाकर उसके साथ सभी को लेकर जुड़कर आगे चल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप अपना परिचय के साथ में ये बता दीजिए कि आप जो जंतर मंतर पे यहाँ पे आए हैं, धरना दे रहे हैं, इससे आपको क्या आशा लग रही है कि आपकी इस बात जो है सरकार तक पहुँच जाएगी? मेरा नाम सोहन कुमार है और मैं हरियाणा से हूँ, UPSC एस्पिरेंट हूँ। 2020 में मेरा अंतिम अवसर था UPSC CSE की परीक्षा में। यहाँ पर धरने पर हम लोग आज पहली बार नहीं आए हैं, ये धरना करीब 32वां धरना होगा जहाँ तक मुझे याद है। लगातार 3 वर्ष से स्ट्रगल चल रहा है, 3 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में मुझे याद है पहली बार जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब DOPT की तरफ से, UPSC की तरफ से इन सभी स्टूडेंट्स को आश्वस्त किया गया था कि जिनका एज और अटेम्प्ट को लेकर के इस बार आखिरी अवसर है, अंतिम अवसर है, उसको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा। मगर 2021 में जब परीक्षाएं हुई तो उस नोटिफिकेशन में कोई राहत नहीं थी, किसी तरीके का कोई भी राहत नहीं दिया गया, तो सभी स्टूडेंट्स को के पास एक ही विकल्प रहता है कि उन्हें धरना करना पड़ा। वो MP से काफ़ी मीटिंग की, 300 से ज़्यादा MP से मिल चुके हैं, 32 से ज़्यादा धरने हो चुके हैं, 7 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में केस लग चुके हैं, मगर अभी तक राहत नहीं मिली है। और हमें उम्मीद है कि 2024 में इलेक्शन के नियर जो है सभी स्टूडेंट्स के इस मुद्दे को सरकार सॉल्व करेगी और इन्हें 2024 की परीक्षा में बैठने का एक मौका सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एक मिनट, मेरा सवाल ये आपसे, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आप युवा हो और देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ चला जा रहा है, आप रेलवे प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन, आप UPSC करके करोगे क्या? और देखिए सर, जब UPSC की हम परीक्षा देते हैं या इसकी तैयारी करते हैं, मैं अपना बता सकता हूँ कि हमारा ध्येय जो होता है देश की सेवा करना होता है, तो UPSC CSE आपको एक मौका देती है जहाँ पर आप IAS IPS IRS जो भी बनते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी अवसर मिलते हैं जिससे आप देश के उत्थान में एक कंट्रीब्यूशन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स जो है UPSC CSE की तैयारी करते हैं, इसमें सालों साल लग जाते हैं, हम लोगों को भी 5-7 वर्ष इस तरीके से लगे हैं तैयारी करते हुए, तो हमें उम्मीद है कि इस बार अगर हमें एक अतिरिक्त मौका दिया जाता है 2024 में, तो हम सभी को अपने सपनों को सुनहरा करने का एक अवसर मिलेगा। आपको मैं 3-4 साल पहले से देख रहा हूँ और पहले आपके साथ हजारों लोग आते थे, लेकिन आज 2-4 लोग हैं, तो क्या लगता है कि 24 में या देखिए, मैं आपको बताऊँ, 16 सितंबर को करीब 16 दिन पहले मैंने अपने पिताजी का, मेरे देहांत हुआ, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थे और हमारे पास समय इतना नहीं था, फिर मैं 13वीं तक वहाँ पर रुका अपने घर पर, तो हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा जो है बैकग्राउंड वर्क कर पाएँ, मगर सभी स्टूडेंट्स तक आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुँच रही है। सभी मीडिया बंधुओं से मेरी एक गुजारिश भी रहेगी कि आप इस आवाज़ को दबने ना दें और 2024 में अगर इन सभी स्टूडेंट्स को एक अतिरिक्त मौका मिलता है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं कहूँगा कि देश के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का रहेगा, जिससे कि इन सभी स्टूडेंट्स को जो है राहत मिलेगी 2024 में। ठीक, आप अपना परिचय बता दीजिए सबसे पहले। मैं KK नेहरा फ्रॉम राजस्थान, SSC स्टूडेंट हूँ, और अभी आप बात कर रहे थे कि भाई जो है किसी की भी सरकार सुनती नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सरकार सुनती है। हमने भी जो है काफ़ी प्रोटेस्ट करे और सरकार ने हमारी बात सुनी, एज रिलेशन जो है हमें मिला, 2 साल की छूट मिली और हजारों स्टूडेंट्स ने जो है अपना जो है सक्सेस वहाँ पे जो है उनको मिली, और उसके बाद में जो है कंटिन्यू जो है SSC के अंदर लगातार जो है भर्तियाँ निकलती रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसलिए निकली क्योंकि हमने लगातार
प्रोटेस्ट किया और सरकार के ऊपर दबाव बनाया, तो वही जो है आज यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं लगातार। अगर इसी तरह से अगर ये कंटिन्यू अगर सरकार के ऊपर अगर दबाव बनाएंगे तो एक दिन सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार सुनेगी, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो जेन्युइन हैं। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यूपीएससी जो है एक और अटैम्प्ट जो है हमें दे, क्योंकि कोविड की वजह से जो है हम अटैम्प्ट नहीं दे पाए, हमारा अटैम्प्ट जो है छूट गया था। तो हमारी कोई गलत डिमांड नहीं है, सरकार से हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, और हम भारत के बच्चे हैं, भारत में रहते हैं, भारत और ये हमारी सरकार है। चलिए हम आपकी बात एक मान भी लें कि अगर आप गलत डिमांड नहीं कर रहे हो, सरकार को भी ये पता है कि कोविड के दौरान ही कोविड के चलते हुए ये आपकी परीक्षा में जो भी प्रॉब्लम आई आ गई, तो सरकार को स्वतः ही इस पर संज्ञान लेते हुए आप लोगों की परीक्षा में यह कर देना चाहिए। आप लोगों को फिर धरना देने की जरूरत क्यों? देखिए धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई भी अगर बात को अगर सरकार तक पहुंचाना है तो उसके लिए जो है एक शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से जो है आपके पास एक ऑप्शन है सोशल मीडिया का, उसके थ्रू हम जो है अपनी आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो हमारे तक नहीं पहुंचती है, और अगर पहुंचती भी है, अगर किसी तरह से अगर हमारा वीडियो अगर रिकॉर्ड भी हो जाता है तो वो नहीं दिखाया जाता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन फिर भी जो है हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि जो सरकार के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया को भी जो है देखते हैं, तो हमारी बात जो है उन तक पहुंचेगी। और अभी 2024 में जो है आने वाले टाइम में इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से जो है सरकार जो है हमारे पे जो है एक अच्छा निर्णय लेगी और हमें अटेम्प्ट मिलेगा। इसको एक तरीके से एक सरकार के खिलाफ धमकी मान लिया जाएगा 2024 में, अगर युवाओं की बात नहीं सुनूं तो युवा जो है सरकार को सबक सिखा सकती है, मतलब सरकार को बदलने का काम करेगी, इसको इस तरीके से देख लिया जाए? देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई सरकार अगर काम नहीं करेगी, अगर आपकी बातें अगर नहीं मानेंगी, तो साफ जो है जो भी हम मतलब सरकार को हम क्यों चुनते हैं? हम इसीलिए चुनते हैं कि सरकार हमारे लिए जो है अच्छा काम करे, हमें जो है रोज़गार दे, महंगाई कम करे, और जो उद्योग धंधे हैं उनको लगाए। तो हर तरीके से हम ये सोचते हैं कि सरकार जो है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बेहतर काम करे। अगर सरकार चलते एक अंतिम सवाल है कि आपने महंगाई बेरोजगार की बात करी, तो क्या देखते हैं कि इस दौरान जो कार्यकाल चल रही है तो क्या कहते हैं ये सरकार आपकी बात मान लेगी? नंबर एक, अगर नहीं माने तो क्या करेंगे? महंगाई और बेरोजगारी पे आपकी क्या टिप्पणी है अंतिम? मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार हर बात पे जो है एक ही बात बोलती है कि भाई कोविड 19 की वजह से जो कुछ हो रहा है, देश की जो इकोनॉमी है, महंगाई है, सब जो है जब भी हम देखते हैं कि एक डिबेट में जो है सारा जो ये है सारा जो है कोविड पे ये जो है ठेकरा फोड़ देते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि भाई जो है कोविड की वजह से हमें भी जो है अटेम्प्ट दिया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से हम भी परेशान हुए थे, तो वही हम डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे यूपीएससी के छात्र हैं जो कि कोविड में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, तो वो 2024 में दोबारा अटेम्प्ट चाह रहे हैं, तो देखते हैं इनका मुद्दा सरकार सुनेगी या नहीं।